और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। शनिवार को यानी एक दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि दुनिया के बड़े लोकतंत्र के चुनाव का पूरा टाइम टेबल आपके हमारे सामने होगा। शनिवार दोपहर 3 बजे होगा चुनाव तारीखों का ऐलान। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, और इससे पहले शुक्रवार को यानी अब से कुछ देर पहले, करीब करीब 25 मिनट पहले समाप्त हुई चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक। करीब 45-50 मिनट तक चली ये बैठक, और इसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में हो सकता है चुनाव। ये अभी अनुमान है, लेकिन ऐसा हो सकता है, और इसके पहले भी मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ चूंकि नक्सल प्रभावित है, इसलिए वहाँ 2 से 3 चरण में चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ऐसा हमेशा होता आया है कि नक्सल प्रभावित बस्तर में अलग होती है तारीखें चुनाव की, और जो इसके अलावा गैर नक्सल प्रभावित इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहाँ चुनाव की तारीखें अलग चरण में होती हैं। तो कुल मिलाकर 6 से 7 चरण होंगे, और गौरव शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में अमूमन 2 चरणों में और कई बार प्रक्रिया जिस तरह से होती है तो 3 चरणों में भी ये जा सकता है, लेकिन 2 चरण तो तय होते हैं, एक नक्सल प्रभावित इलाका और एक गैर नक्सल प्रभावित इलाका। जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी। जी बिल्कुल सरज जी, देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये तय हो जाएगा कि भारत में कितने चरणों में मतदान होना है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात करें सरज जी, तो छत्तीसगढ़ में पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में 2 चरणों में मतदान हुआ था, जिसमें राजनांदगांव लोकसभा और बस्तर लोकसभा जो सीट है उस पर एक चरण में हुआ था, और दूसरे चरण में तमाम वो सामान्य क्षेत्र है जहां पर नक्सल प्रभावित नहीं है वहां पर दूसरे चरण में मतदान हुआ। तो इस बार भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में मतदान हो सकता है, और तैयारियां भी इसे लेकर लगातार जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो लगातार कर रही है, बैठकों का दौर भी जारी है, और जिस तरीके से कल ऐलान होना है, ऐलान के बाद तैयारियां और बढ़ जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता के बाद जो पूरी जिम्मेदारी है पूरी वो निगाह रखिए किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह के हालात हैं, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रशंसा, ये राहत देने वाली खबर।